हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 14 पढ़ा था, जिसका पार्ट 1 पढ़ा था। व्यवसायिक कार्यालय किसे कहते हैं तथा व्यवसायिक कार्यालय के विभागों का वर्णन कीजिए। अब इसमें पार्ट 2 वीडियो में हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे, व्यवसायिक कार्यालय के महत्वों का वर्णन करो, चैप्टर 14 का पार्ट 2। तो इसमें सबसे पहले व्यवसायिक कार्यालय का अर्थ ही लिखना होगा। तो व्यवसायिक कार्यालय का अर्थ इसके अंदर वही लिखेंगे जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग यानी फर्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। एक व्यवसायिक कार्यालय, एक व्यापारिक कार्यालय व्यापार का केंद्र होता है। इसी कार्यालय के द्वारा सभी को सूचना प्रदान की जाती है। इसी कार्यालय के अंदर हिसाब किताब तैयार किया जाता है तथा व्यापार की नीतियों का निर्धारण इसी व्यापार के अंतर्गत किया जाता है। इसको उसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं, या जो मैंने फर्स्ट वीडियो में अर्थ बताया था केवल उसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद मेन बात क्या है, व्यवसायिक कार्यालय के महत्व का वर्णन कीजिए, यानी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है एक व्यवसायिक कार्यालय की, उसके बारे में हमें लिखना है। इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से उसकी तारीफ करनी है। सबसे पहला हेडिंग है व्यवसाय का मस्तिष्क। जिस प्रकार मनुष्य शरीर के सभी अंगों पर नियंत्रण रखता है, उसी प्रकार एक व्यवसायिक कार्यालय पूरे व्यापार पर नियंत्रण रखता है। व्यवसायिक कार्यालय पूरे व्यापार का केंद्र बिंदु होता है, वहीं से पूरे व्यापार का संचालन आदि कार्य किया जाता है, जिसके अंदर प्रबंध तथा प्रबंध समिति की संगोष्ठियां की जाती हैं, और वहीं से ही पूरे विभाग का, पूरे व्यापार व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है। अगला हेडिंग आता है समन्वय। कार्यालय अपना कार्य सही रूप से करने के लिए विभिन्न विभिन्न विभागों में बांटा होता है। ये सभी विभाग कहलाते हैं और इन्हीं में तालमेल स्थापित करना समन्वय कहलाता है। जैसा पहली वीडियो में बताया था कि एक व्यवसायिक कार्यालय अलग अलग विभागों में बटा होता है, जैसे कि स्टोर विभाग, योजना विभाग, अंग संग्रह विभाग, रोकड़ विभाग, तथा इन्हीं सभी विभागों में आपस में तालमेल बिठाने का काम समन्वय के द्वारा ही किया जाता है। अगला हेडिंग है सूचना केंद्र। कार्यालय व्यवसाय का सूचना केंद्र होता है। यहीं से सभी विभागों को सूचना दी जाती है तथा सूचनाएं ली जाती हैं। मतलब जितने भी विभाग होते हैं सभी कार्यालय से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। सभी विभागों की रिपोर्ट कार्यालय के पास होती है तथा यह उनका एक केंद्र बिंदु होता है। संपर्क सूत्र, कार्यालय विभिन्न विभिन्न विभागों को संपर्क स्थापित करता है तथा कार्यालय के माध्यम से ही अन्य लोगों से सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। अगला आता है लेखांकन एवं पत्र व्यवहार। व्यवसाय का वह स्थान होता है जहां पर लेखांकन संबंधी काम किया जाता है और पत्रों का आदान प्रदान किया जाता है। कार्यालय के अंदर ही सारा लेखांकन का कार्य किया जाता है। लेखांकन यानी लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र के अंदर बैलेंस शीट बनाना, पासबुक के अंदर आने वाली प्रविष्टियों की जानकारियां प्राप्त करना, बैलेंस शीट बनाना, तलपट बनाना, जर्नल लेखे करने, सारा ऑफिस के अंदर कार्य किया जाता है। वित्तीय संस्थाओं को महत्व है। बैंकिंग, बैंक, बीमा कंपनी आदि के लिए कार्यालय का विशेष महत्व होता है। व्यवसाय की सफलता का आधार, कार्यालय की कुशलता पर ही व्यवसायिक सफलता निर्भर करती है। यदि कार्यालय श्रेष्ठ तथा उत्तम प्रवृत्ति का होता है तभी उसके अंदर कार्य करने वाले विभाग भी अच्छे प्रकार से कार्य कर पाते हैं। अगला हेडिंग आता है हमारा हिसाब किताब रखने का हिसाब। एक व्यवसायिक कार्यालय हिसाब किताब रखने का स्थान होता है जहां पर सारा लेखा जोखा उसी के हिसाब से रखा जाता है। नेक्स्ट आता है योजना केंद्र। एक कार्यालय योजना केंद्र होता है। इसी कार्यालय के अंतर्गत नई नई योजनाएं बनाई जाती है। भविष्य में क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, इन सभी की प्लानिंग एक व्यवसायिक कार्यालय के अंदर ही की जाती है। अगला हेडिंग आता है प्रबंध का मस्तिष्क। प्रबंध का मस्तिष्क एक कार्यालय मैनेजमेंट का जो है ब्रेन होता है। कार्यालय प्रबंध का मस्तिष्क होता है। यह मस्तिष्क कर्मचारियों में संप्रेक्षण स्थापित करता है और आवश्यकता के अनुसार उस पर नियंत्रण स्थापित करता है। आई होप समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।